हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नर्ड चैट। और नर्ड चैट में बहुत बढ़िया स्वागत है आपको गाइस। मेरा जो एक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जो शेयर मार्केट में जो है आप पैसे बना सकते हो, 100% बनेगा। और मेरा जो फेवरेट एक ITC का भी शेयर है, जो कि मैं आपको आज जो है ना इसका एनालाइज जो है इसको आज अब शेयर करूँगा मैं आपके लिए, जो आपके लिए ये पैसे बना सकते हैं गाइस। इसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें फिलहाल, ठीक है। तो मैं आपको लेवल टू लेवल लेके चलता हूँ। और मुझे पता है कि आप लोगों ने NBCC और साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक में बहुत बढ़िया मौका है, 9 रुपये और 8 रुपये और 7 रुपये पर दबा के बाई करना है गाइस। और वो 10 रुपये जाएगा, आपको बेच देना है। बहुत ही बढ़िया लेवल दे रखा है मैंने सभी का, सभी को ऐसे ही करना है। शॉर्ट टर्म में 1 या 2 महीने के लिए मैं कॉल देता हूँ, जो कि आप 1 महीने के अंदर वो नीचे आता है और फिर उसको जो है बेच बाच के निकल जाना है गाइस। जो मूवमेंट आती है उसको लो और निकल जाओ। होल्डिंग करोगे पैसा फंसा रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो ITC है। ITC बहुत बढ़िया शेयर है और बहुत ही, मतलब ये लगा लो कि एशिया का नंबर 1 कंपनी है ITC, जिसमें जो है मल्टीपल जो है FMCG प्रोडक्ट है। दोस्तों ITC के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए, और ITC में क्या हो रहा है और क्या इसका जो है रेंज है उसको कैसे पकड़ेंगे है। अभी ये नीचे क्यों आया ये भी नहीं पता आप लोगों को कि ये नीचे क्यों आया, ठीक है गाइस। तो बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे आपको YouTube पे, बट मैं एक्चुअल बता रहा हूँ कि इसके साथ हो क्या रहा है। देखो ये हर साल होता है, अगर मेरी बातों को ध्यान दोगे तो मैं हर साल मैं बता दूंगा कि इसके साथ क्या होता है। एक तरह से बोलते ना कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, तो गाइस ये वही शेयर है। इसके पास 4 दिन की चांदनी है बट अंधेरी रात भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो गाइस ये शेयर ऐसा चीज़ है कि मतलब ITC में आपने पैसा लगाया, तो शेयर भी थोड़ा कॉस्टली है, 200 रुपीज़ का है, 223 रुपीज़ का है। तो मतलब ये लगा लो अगर 100 शेयर लोगे तो आपको 22,000 के आसपास बढ़ जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलते हैं इसको जो है ना एनालाइज़ करते हैं और इसका रिव्यू देखते हैं और इसका फीडबैक देते हैं और चार्ट पे इसका पैटर्न देखते हैं कि इसमें कर क्या रहा है ये गाइस। ये शेयर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इसको आपको ये होल्ड करना पड़ेगा, और होल्ड जब तक करना पड़ेगा जब तक गवर्नमेंट टैक्स ना बढ़ाए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, देखता है कि भाई साहब पैसा बहुत कमा रहे हो, तो क्या करता है वो टैक्स लगा देता है, कुछ टैक्स बढ़ा देता है, 1%, 0%, 2%, कुछ भी बढ़ा देता है, तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ससुरा पैसा वाला तो है ही, लेकिन जाएगा कैसे। तो इसके लिए जो है ना गाइस, इसके लिए मैंने एक लेवल बनाया है, ठीक है। तो उसी पे बाई करना है और उसी पे सेल मार देना है, ठीक है। और छोटी छोटी मूवमेंट लेके जो है ना इससे निकल जाना है। नशा जो है इसी में है और धुआं इसी में है। तो चलते हैं गाइस, इसका जो है रेंज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रेंज है इसका, पहले मैं आपको जो है 5 ईयर का जो मैं 5 ईयर का चार्ट में इसको शेयर करता हूँ पहले, ठीक है गाइस। तो 5 ईयर का चार्ट तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देख दो इसका जो गूगल का चार्ट, जो बेसिक चार्ट जो मैं आप लोगों को सिंपल समझाता हूँ, ठीक है। देखो 20 रुपये, तो मतलब अगर जब इसका मन होगा ना, जब इसका मन करेगा तो भाई 10 रुपये 20 रुपये, तो इसके लिए तो कुछ भी बात नहीं है। और निफ्टी का ये 3% इसका वेट है आपका निफ्टी में, ओके गाइस। तो सोचो कि क्या ये शेयर में कितना दम है। देखो ये चार्ट दिखा रहा है गूगल का, बहुत ही बढ़िया इसका चार्ट दिखा रहा है, तो चार्ट पैटर्न है। और अभी देखो मैं हमेशा बोला कि मैं 5 ईयर का चार्ट देखता हूँ, तो मैं आपको 5 ईयर के चार्ट में लेकर चलता हूँ। 5 ईयर के चार्ट में देखो 250 चल निकला, ठीक है, चलता रहा, हाई लगाया इसने, हाई कितना लगा 237 234, फिर इसने ये घुमाया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे हाई मारा, फिर धीरे धीरे किया, फिर यहाँ पे डबल टॉप मारा, ठीक है, डबल टॉप मारा, नीचे गिर गया। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये, यहाँ पे पेंडेमिक है, 1 साल तो मैं काउंट नहीं करूँगा, ठीक है। 170 भी गया है गाइस, 170 भी गया, मतलब इसकी भी हालत ख़राब होती है। जब बिजनेस बंद होगा तो सबका बंद होगा ना, तो ये भी बेचारा जो है थोड़ा सा डाउन गया। अभी देखो अभी क्या है, इस लेवल पे है अभी 256 रुपये का है ये शेयर, ओके। अभी 256 गया, उसके बाद ये डायरेक्ट ये 223 आया। अमेजोन में कुछ न्यूज़ था तो इसके वजह से ये 256 गया, बट अभी टैक्स की बात चल रही है तो इसके बाद जो है ये 223 रुपये का ये शेयर हो गया, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ अभी ये अपने लेवल पे है, ठीक है। टैक्स वैक्स के बाद नहीं हुआ तो ये रॉकेट बन जाएगा अभी, अब नहीं रुकेगा ये, बट अभी ये गिरेगा। तो रेंज इसका क्या है मैं बता दूँ, बाय रेंज क्या है इसके गाइस, बाय रेंज है इसका, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 199, ठीक है। क्रैश किया
ठीक है। उसके बाद पहले बाय रेंज दे देता हूँ मैं, 199, ठीक है, 211, ठीक है, इसके बीच में दबा के बाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा रुक जाओ, रुकने के बाद 219, फिर 230, ठीक है। ये इसके लेवल है गाइस, जब 230 रहेगा तो 219 भी आएगा। अब जब इधर से गिरेगा, जब देखो जब ये गिरेगा ना, तो ये इधर से गिरेगा, इस तरह से गिरेगा, 230 से एकदम इधर की तरफ गिरेगा, पीछे की तरफ 230 से 219 पे जाएगा, 211 पे जाएगा, फिर 199 पे आने के बाद ये फिर से जो है ये इसका 156 का लेवल है गाइस, ठीक है। इस तरह से ब्रेकआउट होगा, ये गैप डाउन एंड गैप अप होगा, ठीक है। और सेल रेंज देख लो, सेल रेंज क्या है गाइस, अगर जैसे 230 मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है, इसका रेंज क्या है, इतना है। फिर उसके बाद क्या करेगा ये, जब ऊपर जाएगा तो 235, एस 237 का है, फिर उसके बाद 243 का है, 34 भी ले सकते हैं, ये भी है, ये रेंज है। फिर उसके बाद सीधा आता है 260 पे आएगा, ठीक है, 260, जब ये 260 फटेगा तो फिर 280 भी आएगा, 280 फटेगा तो 310 सीधा, ठीक है। तो ये आपका बाय रेंज और सेल रेंज हो गया। तो आपको जो बाय रेंज है और इसके जो है सेल रेंज है कि आपको इसी के बीच में ट्रेड करना है और इसको इस लेवल पे ख़रीदना है, ना कि बीच में ख़रीदना है। 219 पे ख़रीदा, 211 पे ख़रीदा, 156 पे ख़रीदो, 260 पे ख़रीदो, ठीक है, फिर 200 आगे चला जाएगा। तो ये इसका बाय रेंज है और ये इसका सेल रेंज है, ठीक है। 5 रुपये 10 रुपये मिलता है, उसके बाद निकाल लो। फिर उसके बाद क्वांटिटी कितनी ख़रीदनी है, तो अगर छोटे आप ट्रेडर हो नॉर्मल, तो आप इसको जब 50-50 करके ख़रीदो, 25-50-25 ख़रीद लो एक बार, ज़रूरत में कम है तो होल्डिंग पे थोड़ा कम लगेगा, फिर इसके बाद 50 ख़रीद लो इसके बाद, है ना। इस तरह से इसको एवरेज करना है, ठीक है, इस तरह से इसको एवरेज करना है गाइस। तो ये मैंने बता दिया कि बाय रेंज और सेल रेंज क्या है। अब देखो इस कंपनी की जो है खासियत क्या है, ठीक है। एक कर कह रहा है, करना है इससे सारा कुछ जो है इसको गवर्नमेंट बेस पे है, ठीक है। बहुत सारे टैक्स जाते हैं गाइस, सिगरेट पे इतना टैक्स है, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, इतने प्रोडक्ट हैं कि मतलब ये लगा लो 50% 75% ऐसे जो हम लोग यूज करते हैं, बट हम लोगों को पता नहीं है कि ITC बनाती है, ठीक है। ये आपका जो है मैंने बाय रेंज और सेल रेंज दे दिया है गाइस, और ये बहुत ही बढ़िया शेयर है, तो आप इसमें बने रहिए और बढ़िया अभी देखिए मौका मिलेगा आपको, और उस मौके को फ़ायदा उठा लेना है गाइस। मैं सजेस्ट करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, मेरा बाय रेंज और सेल रेंज मैंने दे दिया है, और साउथ इंडियन बैंक का मैंने लेवल दिया था। साउथ इंडियन बैंक अपने लेवल पे चल रहा है अभी, 9 रुपये पे आपको लेना है, 8 रुपये पे लेना है और 7 रुपये पे लेना है। दबा के लेना दादा, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक है, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। पर थोड़ा सा ध्यान से, ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं करनी, 1,000 2,000 3,000 बहुत हो गया, ठीक है। एवरेज करते रहना साउथ इंडियन बैंक पे, NBCC भी पकड़ के रखो, NBCC भी जाएगा, और भी मैंने एक दो शेयर दिया था तो मैं तेरे को देखना पड़ेगा। SCI तो फटा हुआ है अभी हाथ में डालना, उसमें हो सकता है और फट जाए। मैं आपको जो है सारे कॉल दे दिए, बढ़िया, सिर्फ रेंज टू रेंज चलो और कुछ नहीं करना। रेंज टू रेंज पे चलोगे आपका प्रॉफिट हो जाएगा, बट आप किसी के मार्केटिंग पे और किसी पे जाओगे तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। अप स्टॉक और ज़रूरदार का जो है ना लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, तो ज़रूर वहाँ से जाके अपना अकाउंट अगर खुलवाना है तो वहाँ से जाके जो है अभी फ्री ऑफ अप स्टॉक में फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है अकाउंट, तो अभी आप जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो और कुछ क्वेश्चन आंसर करना है तो आपको ज़रूर कमेंट करें गाइस, और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।